दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आजकल पंजाब हरियाणा में धान की कटाई हो रही है और धान की जो फसलें हैं पूरी तरह से तैयार हैं खेतों में इनकी कटाई और इनको बाजार में बेचने के लिए। पिछले दिनों हम पंजाब की तहसील गुरु हरसहाय, जिला फिरोजपुर के गांव झंडूवाला और तेलुपुरा पहुंचे, जहां पर आजकल ये कटाई का काम चल रहा है। सबसे पहले हम झंडूवाला के सरदार सुरेंद्र सिंह बराड़ के खेत पर पहुंचे, जहां धान की कटाई चल रही थी। यह है कंबाइन। ये मशीन से आजकल फसलों की कटाई होती है। पहले जो काम घंटों में होता था वो आजकल कुछ मिनटों में हो जाता है, दिनों का काम कुछ घंटों में हो जाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये धान की जो मुंजर होते हैं उनको इकट्ठा करते जाते हैं और पीछे इसका वेस्ट, जिसको पराली कहते हैं, वो भी खेत में जमा होती जाती है। यह कंबाइन तकरीबन 20 लाख की आती है, ट्रैक्टर 7 से 8 लाख होता है और ट्रॉली 2 लाख की आती है। तो इस तरीके से खेती किसानी के जो औजार हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। किसान को खुद भी अपने खेतों पर जाना पड़ता है। हम ट्रैक्टर पर बैठकर सरदार सुरेंद्र सिंह बराड़ के खेत पर पहुंचे। यह दर्शन सिंह और यह सुरेंद्र सिंह बराड़। बराड़ साहब, कैसा लग रहा है ट्रैक्टर चलाते हुए? अच्छा लग रहा है। ये कौन सा ट्रैक्टर है? ये हॉलैंड है, हॉलैंड है। ओके। आपने कभी खेती बाड़ी की है? कर रहा हूँ। ये मैं बैठा हूँ ट्रैक्टर के ऊपर और हम मजे ले रहे हैं। और देखने वाली बात ये है कि ये जो हमारे पीछे कंबाइन लगी है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। कटाई जब कंबाइन से होती है तो साथ में ट्रॉली चलती जाती है जिसमें धान गिरता है। इस कंबाइन में लगभग 40 मन यानी कि 16 क्विंटल का स्टोरेज होता है। बीच बीच में जब यह भर जाता है तो इसको खाली किया जाता है और कई बार इस कंबाइन के साथ साथ ट्रॉली चलती है जिसमें अनाज गिरता जाता है। क्योंकि हर कॉर्नर पे ये कंबाइन नहीं पहुंच सकती तो वहां पर जो साइड में धान बच जाता है उसे लेबर अपने हाथों से काटती है, जिसे मुंजर कहा जाता है। आप ये देखिए, कटर जो कि फसल को काटता जाता है और ये जो पीछे पराली है ये वेस्ट खेत में गिरता जाता है। हालांकि इस मशीन को लेबर और कारीगर चलाते हैं लेकिन कई बार किसान खुद भी उनके साथ काम करता है। किसान चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, चाहे शहरों में रहने लग जाए, अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। और जब धान की कटाई हो रही होती है तो ये बगुले, जिन्हें लाली या गटार भी कहा जाता है, आसपास उड़ते फिरते रहते हैं और फसल में से उड़ने वाले कीड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। मैं जी हरमल सिंह, सरपंच पिंड झंडूवाला जी, जो कि साडे वाडी दा सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत वधिया जी, जो कि फसल की कटाई हो रही है, ठीक झाड़ आ रहे हैं जी, वधिया जी, ठीक तरह तलाई हो रही है, वधिया, ठीक सारा काम ठीक चल रहा है जी। जो पराली साड़न के संबंध में असी गल कर रहे हैं जी, पराली अग लगा असी भी ठीक नहीं समझते जी, ठीक नहीं गा, पर इन्नी इजाजत दी जाए जो पराली की लैन है, लैन में साड़न की इजाजत दी जाए, दूजे विचे नष्ट करन दा तरीका है जी, वह सुपरसीडर हैपी सीडर ना बीजी जाती है जी। जिहड़ी पराली है जी, जे सारी नहीं खत्म हो सकती, लैन की जरूर इजाजत दी जाए। लैन ना कोई बहुता धुआं नहीं हुंदा, लैन सुक्की हुंदी है उपर जी पई हुंदी है, लैन तो थोड़ा थोड़े समय चीज। सरकार वालों किस तरह का सहयोग चाहिए? सरकार वालों जी सुपर सीडर हो गए, हैप्पी सीडर हो गए, यह जिहियां मशीनां मुहैया कराई जान जी, कुछ सबसिडी दी जाए जी, तो लैन की इजाजत दी जाए जी पाल साड़न की। मशीन काम करते करते खराब भी हो जाती है तो जो कारीगर होते हैं उन्हें खुद इसको ठीक करना होता है, क्योंकि अंतिम समय पर कारीगर को बाहर से बुलाना मुश्किल होता है और ये अनुभव के आधार पर सीख जाते हैं। मेरा नाम मेहर सिंह है।
सर नाम पग्गा सिंह। अच्छा, आप दोनों इस काम में लगे हुए हैं। ये जो पीछे ये हम देख रहे हैं कि ये धान की कटाई कर रहे हैं आप लोग कंपाइन से। हाँ जी। तो ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी की मुच्छड़ जो है। मुच्छड़? मुच्छड़ मुच्छड़ इसके सबसे बढ़िया वैरायटी होती है। हाँ, सबसे बढ़िया। इसका इन रेट ज़्यादा रहे आम चूना नाला। आम चूना नाला रेट ज़्यादा रहे। ये कितना टाइम लगा था इसमें बढ़ने में? इन 3 महीना में तैयार था। 3 महीने में। और बाकी और कोई वैरायटी है जो जल्दी हो जाती है? जल्दी था वाली वैरायटी है जी 1509 है जी, तो 1.5 महीना 2 महीना में तैयार था जी। वो 1.5-2 महीना हो गया। हाँ, तो लोग फिर ये क्यों बीजते हैं वो क्यों नहीं बीजते? रेट ना फर्क ही हो, ये महंगी रहे। तो बासमती है ये? हाँ, बासमती है। ओके ओके। रुपाई से लेकर कटाई तक सारे काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। गुड गुड। कितने साल से काम कर रही है? मैं मन था यह 10-12 साल का ही है। 10-12 साल का? 18-19 साल नहीं उम्र में लगी है। और अब उम्र क्या है? 32 साल उम्र ही मेरी। ओके ओके। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई 8 पढ़े हैं। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे खेती बाड़ी में आ गया था तो कार नहीं मजबूरी करी। आप कितने पढ़े हो? आप 4 पढ़े हैं। ओके, आगे नहीं पढ़े इसी काम में? हाँ जी। आगे बच्चे बच्चियाँ हैं आपके, पढ़ा रहे हैं उनको? हैं बच्चे हैं, उनको पढ़ाना जरूरी। हाँ, उन्हें पढ़ाना है। पीछे जो मैं देख रहा हूँ खेत में, पता नहीं किसका खेत है, पराली को नहीं जलाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या क्या होता है? वो मौसम खराब होता है। धान की कटाई के बाद ट्रॉली में भरकर इसे गांव में घर में लाया जाता है और खुले आंगन में उनको सूखने के लिए डाल दिया जाता है। बहुत मेहनत का काम, बहुत टीम वर्क का काम। और केवल ऐसे ही नहीं सूखता, इसको पंखा लगाकर इसमें जो हल्का फूस फल्ला होता है उसको निकालना होता है, सुखाया जाता है, बोरियों में भरा जाता है, किसान उसे खेतों तक पहुंचाते हैं। ये है धान की फसल, इसका नाम है किस्म का मुच्छल, क्योंकि ये देखिए दाने के आगे इसके मूंछ की तरह एक तिनका निकला होता है, इसलिए इस वैरायटी का नाम है मुच्छल। धान को बोरियों में भर कर रख दिया जाता है और जो व्यापारी हैं वो किसान के खेत में या घरों में आकर इसको उठाकर ले जाते हैं, खरीद कर ले जाते हैं। इसके बाद हम पहुँचे शुभमन गिल के गांव जैमलवाला, ज़िला फाजिलका के नज़दीक गांव तैलूपुरा में। वहाँ भी घर घर धान की फसल को सुखाया जा रहा था। यहाँ पर हमने प्रगतिशील किसान गुरप्रीत सिंह सेखों से बातचीत की। अरे चूना जिसको वैरायटी है 17-18, इसकी खासियत क्या है? अरे एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बढ़िया, खाने में बहुत बेस्ट। बासमती है ये? बासमती है। ओके, तो यहीं से ले जाते हैं या आपको जाना पड़ता है कहीं बेचने के लिए? हमारे यहाँ से बस हमने सेल कर दिया 4000 रुपये प्रति क्विंटल, यहाँ से ले जाएं। ओके, तो कितना टाइम लगता है इसको बनने में? इसको तकरीबन 150 दिन की वैरायटी है ये। 5 महीने लग जाते हैं? 150 दिन की। 150 दिन। और मुच्छल तो 3 महीने चल जाए, उसका ज़्यादा टाइम लगता है, 20 दिन ज़्यादा लगते हैं। खेती किसानी का काम काफ़ी मुश्किल होता है, एक टीम वर्क होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है और प्रकृति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बारिश तूफान आ जाए तो फसलें खराब हो जाती है, 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता है, किसान भगवान आश्रय चलता है। किसान के चेहरे पर प्रसन्नता तब आती है जब उसकी मेहनत का फल उसके घर पहुंचता है, यही उसका साल भर का सहारा होता है। कंग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।